अस्सलामुअलैकुम। मैं यूट्यूब पर नहीं, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप भी अच्छे होंगे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ, बस टिकट करवा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हो जाएगी, मैं याद रखिएगा। बाकी जो भी एक्टिविटी होगी आपके साथ शेयर करेंगे। आपको ना ये लास्ट टाइम लाइटें दिखा रही हूँ, फिर तो जा नसीब कब नज़र आए, ठीक है? और यकीनन जब हम यहाँ से गुजरते हैं ना, स्टॉप ही लग जाते हैं। लेकिन आज ग्रीन हुआ हुआ है। आए, आए, आए। मेरी बात सुनकर हुआ है, आपका कोई कमाल नहीं है जी। मुसाफिर आज ईद के लिए अपने घर जा रहे हैं और अल्लाह ताला इनको खराफियत से लेकर जाए। बहुत रश है आज यहाँ पर, और इस दुआ करें कि हमें भी टिकट मिल जाए। वैसे तो हमें मना किया गया है, लेकिन फिर भी अगर अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या बनता है। ऐसा ही है ना, बोलो भाई। वो ऐसे है कि देखें, एक दिन मैं अपने बच्चों के साथ ईद कर लूँगा, एक दिन ये भी अपने बच्चे के साथ जाके ईद करे, ठीक है ना? क्योंकि ये खुशी के त्यौहार कम होते हैं, बार बार नहीं आते, तो उस बच्ची के दिल में भी ना आए ये बात, और इधर बच्चों के दिल में भी ना आए, इसलिए हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। और ये बहुत बड़ा रिस्क है वैसे। कोई बात नहीं, क्या भाग दौड़ लगी हुई है इस टाइम, हर किसी को अपने घर जाने की जल्दी है। ग्रीन लाइन भी आई हुई है और फाइनली हमें टिकट नहीं मिली, मुबारक हो। ये देखे कितना रश है, अल्लाह ताला बस सबको खैरियत से लेकर जाए। आमीन आमीन। ट्रेन उन्होंने यहाँ खड़ी की है कि आप और दिल पर जा सकते हैं, टिकट ना मिले वो इस पे चढ़ जाए, आप चलाना। खुद अपना चला के निकल। ये क्यों खड़ा इंजन है, ये क्या है? ये कैंटीन स्टेशन जो बनाया हुआ है इसके। ओके ओके, चलें जी वापस घर चलें, इज्जत और शराफत के साथ। कैंट पे रश तो देखो, बसों का रश, हर जगह ही बहुत है। वो देखो बसों का रश भाई, ईद है जी। यहाँ अब हम लेवो के अड्डे पे आते हैं कि चले यहाँ से अगर हमें सीट मिल जाए तो हम इसीलिए चले जाएँ। फाइनली जी हमें यहाँ से भी टिकट रिसीव नहीं हुई, अभी हम जा रहे हैं वापस फैसल पे। अभी हम आ गए हैं फैसल पर, देखें यहाँ पे, यहाँ तो ऐसे बहावर पर लिखा हुआ है, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे सफाई सुथराई बहुत अच्छी है। बस यहाँ से अब हमें टिकट मिल जाए, फिर हम भी ईद अपने बच्चों के साथ करेंगे इंशाल्लाह जी। फाइनली हमें यहाँ से भी टिकट नहीं मिली। यहाँ तो ना ईद का बहुत रश है, दिलकर को भी काम था, मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जा सकती, एक तो मुझे पेन बहुत ज़्यादा, मैं थक गई। हमें ना ट्रेन की, ना फैसल की, और ना ही डेपो की किसी की भी टिकट जो है ना वो रिसीव नहीं। वो कहते हैं कि ना अभी शेड्यूल नहीं है कोई, क्योंकि ईद किसी दिन भी हो सकती है इस वजह से। खैर ये टूज हैं, फ्रूट है, ये पता नहीं सदर में हम खड़े हैं, मुझे तो इतना भी नहीं पता। दिल पर इस साइड पे कहीं गए हैं, मुझे नहीं पता कब तक आते हैं। हो सकता है कि पंजाब जाना हमारा कैंसिल ही हो जाए, क्योंकि किसी भी जगह की टिकट जो है वो नहीं मिल गई। वैसे भी डॉक्टर ने तो खैर मना ही कर दिया है, शायद मैं ना भी जाऊँ, मेरा वैसे इरादा नहीं है, लेकिन दिल पर कह रहे हैं कि नहीं आप लाजमी जाओ, हाँ आपका वेट कर। तो मैंने खाली से पहले एक दिन बोला था कि मैं अकेली चली जाती हूँ, और आज खैर मुझे जाते हुए डर लग रहा है। ये मेरे लिए लेकर आए हैं कराची नहीं को, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगे, इसके लिए शुक्रिया। बैठ गाड़ी पे, मुझे बता दो। आप इंतहाई बदतमीजी कर रहे हो, चोरी करती है। सिर्फ 400 चोरी की है। मैंने ले लिए, इन्होंने फिर मेरे साथ चेंज कर लिया। उस दिन मैंने इनके साथ, आपने, मैंने क्या चेंज किया था, सोडा वाटर है ना, आज इन्होंने आइसक्रीम चेंज कर ली है, लेकिन इसमें से धुआं निकल रहा है। वैसे कोई चोर ही तो कोई बात अच्छी है, अच्छी है दिख रहा है मुझे, अच्छी है। वाला बर्तन खाली करके हमने रख दिए, अब ये चॉकलेट पे शुरू हो गए हैं। इधर कुल्फी है, ये मैं हानिया की याद में खा रही हूँ, क्योंकि हानिया जो है वो चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद करती है। कहाँ ले गए हो, खा ये रहा है। और यहाँ पे धुआं भी है, किस चीज़ का धुआं है? अच्छा इधर भी कुछ कुकिंग वगैरह हो रही है उसका। तो माय यूट्यूब पे भी कैसे, हम सब उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर आप कैसे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस इस टाइम हम लोग जा रहे हैं चेज़ अप पर, मुझे थोड़ा सा काम है, क्या कहते हैं, अच्छा अक्सर लोग मुझे ये बोलते हैं कि थोड़ा सा क्यों काम है, तो भाई जब छोटा काम होता है उसको मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, जब ज़्यादा बड़ा काम होता है तो उसको मैं बोलता हूँ टाइम लगेगा।
तो गाइज आप समझ जाया करें। और मैंने असल में ना वो आईफोन का ना ग्लास वगैरह चेंज करवाना है, कोई कवर शवर का देखना है, क्योंकि रमजान आ गया ना, रमजान शरीफ है, तो रमजान शरीफ में जो है ना इसका भी चेंजिंग कर लें। अभी चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या सूरत हाल है, क्या कंडीशन है, किसने भी चेजअप घूमना है कि भाई डॉल्फिन मॉल के सामने वाला चेजअप कैसा है, वो भी दिखाते हैं। बाकी की कपड़े छपे आपके दर्शनिया खुद लगाएगी। अभी चलते हैं हमारे पास। नर्सरी है और इसमें एलोवेरा है और पौधे मुरझाए हुए हैं। और गाइस हम लोग चेजा पहुंच गए हैं, तो ये धूप ज्यादा है, आंख हमारी नहीं खुल रही है, तो गाइस बस देखते रहिएगा। गाइस छांव में देखिएगा कि कहीं हम धूप में कहीं बज ना जाएं, तो गाइस बस वेट कीजिएगा। ये हम गली मुड़ रहे हैं गाइस, ये अपार्टमेंट है, ये जी बीच व्यू अपार्टमेंट है। इसको ज्यादा रोजा लग गया, रोजी रोजी बड़ी मुश्किल है बाबा, बड़ी मुश्किल है। देश का चेजअप, कौन सा ऐसा भी चेजअप होता है? ये चेजअप की बिल्डिंग है, कितना सुनसान है। बिल्डिंग तो है, बिल्डिंग के अंदर ही सारा कुछ होता है, पर यहाँ तो मुझे लगता है बाइक का चेजअप है। देखिए जी जेंट्स के वाइडर कितने अच्छे हैं, यहाँ ग्लासेस चेक कर रहे वगैरह, यहाँ दिन भर अपना कोई मोबाइल का वो कर रहे हैं, कवर वगैरह चेंज कर रहे हैं माशाल्लाह। शॉप पे कितनी अच्छी है, लेकिन जितने दिन भर के कार्ड है इसमें कहाँ आएंगे, ये कौन मेहंदी हैं चेक करें। स्टड भी अच्छे हैं, बहुत चीज़ अच्छे हैं। दिलबर की दुल्हन की तैयारी चल रही है, अभी उसके कपड़े पसंद हो रहे हैं। जो दिल करे वो लगा। आपको अपनी दुल्हन के लिए क्या पसंद आ रहा है? दुल्हन के लिए अपना शीशा का ये पाउच, ये देखना पुराने वाला, ये गंगा हो गया, इसको भी ईदी मिल गई, दुल्हन को भी ईदी दे दिया। ग्लास लगवाना है और दुल्हन के जो है ये लेंस भी डलवाने हैं। कपड़े जो है ना वो चेंज हो रहे हैं, इनकी बीवी के ना वो कान भी साफ होंगे, आप देख सकते हैं कि कैसे मट्टी इसमें आई हुई है। अब खुश हो? सुनती नहीं थी ना, अब इसके कान साफ हो जाएंगे। चेंज करवाएं इसके, ये लगवाएं, दिखाओ सारा, ये लगवाएं, ये जेली लगवाएं, ये ग्लास लगवाएं, तो यही पे ही 2-3 हज़ार लग जाएगा इंशाल्लाह। मुझे 2 मिनट लगे हैं, मेरा ग्लास चेंज हो गया। बोलने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्या मैं बोल रही थी, आप खुद ही देख लें, बच्चों के लिए ये बहुत प्यारी चीज़ है, मेरा तो खुद दिल कर रहा है ये लेके पहनूं। ये चेक कर बहुत प्यारी प्यारी, ये नेकलेस वगैरह मिर्ची 360 से हमने अपना इफ्तारी का सामान लिया और हम लोग जा रहे हैं सीवियो। टाइम पूरा बचा हुआ है, 7-8 मिनट सारे बचे हुए हैं। दुआ करें कि हम लोग सीवियो भी पहुंच जाएं और वहां पे रोज़ा भी खोल लें, बाकी जो नसीब या तो रास्ते में खुलेगा या कहां खुलेगा जो भी होता है इंशाल्लाह आपसे शेयर करते हैं। और जो है ना हमने भोरी बिस्तरा अपना सामान कर लिया है, और जल्दी दे दो यार प्लीज़, ऑर्डर जल्दी दे दो ताकि हमारा काम हो जाए, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट आए। चले जी ईद का तो पता नहीं कल है या परसों है, लेकिन मैं इसको एडवांस ही दे रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11।
ये 11,000 नहीं जी, आज इफ्तारी से पहले जो है ना दिलबर बहुत खूबसूरत गिफ्ट मेरे लिए लेकर आया है, आप देख सकते हैं। ये चोरी की है? नीचे गिरा वो उठा कर लेकर आए। ये कराची में है, हमारे घर के पास फास्ट मैंगो है, जो सबसे पहले आता है और सबसे पहले नीचे गिरता है और सबसे पहले लोग इसको पत्थर मार मार के खाते हैं। हमारे अदनान सदीकी सारा वाली गली में ये मैंगो है। मीठा है? मुझे नहीं, वहाँ मीठा बहुत होता है और ये अदनान सदीकी वाली सर की गली में है। अच्छा, उधर जो भी उस तरफ गिजरी में इस तरफ जो भी रहता है उनको पता होगा कि पत्थर मार के वो तोड़ते हैं इधर से। मतलब गिफ्ट भी दिया है चोरी का। चलें, इसके लिए चलें जी, आज का ब्लॉग मैं यही पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा ब्लॉग जो मैंने कल से बनाना स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा करके आपको पसंद आएगा। और ब्लॉगिंग मुझसे फ़िलहाल नहीं हो रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अभी इफ्तारी के बाद तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। बस दुआ कीजिएगा मेरे लिए। मुझे अभी ये भी नहीं पता कि सुबह ईद है या रोज़ा होगा, ये तो भी अल्लाह को बेहतर पता है। लेकिन अगर ईद है तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक और चांद रात मुबारक हो। जाना भी मेरा कैंसिल हो गया है और क्या कर सकते हैं, अभी भी कुछ फाइनल नहीं है। वैसे तो टिकट हमें कहीं से भी नहीं मिली, आपके सामने मैंने हर जगह हमने पता किया है और उसके अलावा हम क्या उसे कहते हैं, बस इतना बोलूँगी कि आप लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं बुरी हूँ तो फिर बस मैं बुरी ठीक हूँ, आप लोग फिर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, मुझे कोई सफाई नहीं देनी है और बस इतना ही बोलूँगी। अल्लाह की ज़ात देख रही है, वो बहुत बेनियाज है। मैं बार बार यहाँ आकर कोई सफाई दूँ तो मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। आप लोगों को जो दिल चाहता है वो समझ सकते हैं, जो आपका दिल चाहता है आप कर सकते हैं। बस इतना बोलूँगी कि मैं बुरी हूँ तो बस मैं बुरी ठीक हूँ, आप लोग अच्छे हैं तो आप लोग अच्छे बन के रहें, अल्लाह ताला आपको और अच्छा करें। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, बस दुआ कीजिएगा और सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक और चांद रात भी मुबारक हो। हो सकता है कि अगली ईद पे हम हो ना हो, इसलिए कोई गलती हुई हो तो वेरी सॉरी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी कल आपके साथ एक अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।